छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ में काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करती है, जैसे दरिया में समुंदर, समुंदर में पानी, पानी में हम हो गए गुम। ये एक छोटा सा लाइटनिंग टू माइक्रो यूएसबी अडाप्टर, बिल्कुल एक छोटा सा अडाप्टर है जो कि काफ़ी एक यूज़फुल सी चीज़ है और प्राइस के हिसाब से काफ़ी एक माइंड ब्लोइंग चीज़ है। मैंने 50 रुपये का मार्केट से लिया था, इससे भी आपको शायद सस्ता मिल जाए। जो एप्पल खुद बनाता है वो आपको तकरीबन $19 का मिल जाता है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 3000। 3000 में ये 50-50 के ऑलमोस्ट 60 आ जाते हैं। भाई हम यही ले लेंगे, ये 60 हमारे 2 साल तक चल सकते हैं। इसको ऑनलाइन लेना चाह रहे हो आप तो ऑनलाइन द्रास वगैरह इस तरह की वेबसाइट पे आपको उनकी ओरिजिनल प्राइस तो 30-26 इतनी चल रही है, लेकिन उसमें डिलीवरी चार्ज चल के 150-160-130 इतने तक ना आपको मिल जाता है। बेहतर ये आप मार्केट से लो, एक दफ़ा चेक कर लो चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में ना चलने वाले काफ़ी चांसेस होते हैं। मार्केट से ले लो, 50 का मिल जाएगा, ऐसे ही आपको 150-300 मिल जाएंगे उसमें। हमारे वॉलेट में बेशक पैसे नहीं है, लेकिन इसमें हम निकल जा इस अडाप्टर को आराम से डाल सकते हैं। मेरे वॉलेट में ऑलमोस्ट ये काफ़ी देर तक पड़ा रहा है और पड़ा रहता है ऑलमोस्ट ना, जहाँ भी कहीं जाता हूँ मैं जरूरत पड़ती है निकाल लेता हूँ। ऑलमोस्ट इसको हार्डली मैंने बहुत कम यूज़ किया, तकरीबन मैंने 15-20 दफ़ा यूज़ किया ना इसको, मैक्सिमम इससे ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ भी जाता हूँ अपनी केबल साथ लेके घूम रहा होता हूँ, कहीं भूल जाए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम एंड्रॉइड की केबल इसमें लगा लेते हैं और ये आगे से आईफोन में लग के हमारा बहुत अच्छा चार्ज कर देता है फोन। चार्जिंग इसकी सेम है जैसे हमारी आईफोन की केबल चार्ज करेगी, सेम इसी तरह ये चार्ज करेगा। तो समझ आया करो ना क्यों इतना सस्ता है। एक नॉर्मल सा नोकिया का चार्जर है, इसके साथ अभी टेस्ट करते हैं। इसकी बैटरी जो है वो है 74%। ये लाइटनिंग केबल के साथ चार्जिंग पे लगाने लगा 15 मिनट में, टाइमर मैंने फास्ट में लगाने लगा 15 मिनट में कितना चार्ज करता है। इसको लगा दिया मैंने, चार्जर लग गया तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। अरे इसका टाइमर पूरा हो गया तो इसको मैं डिसमिस करता हूँ। इसने 82% डाटा केबल के साथ ने बैटरी चार्ज की है, 74 से 82%। नॉर्मल केबल के साथ इसकी जो चार्जिंग है वो 82% हुई है, मतलब कि 8% से चार्जिंग किया। लेकिन अभी हम 82 से वापस 74 पे जाएंगे, फिर हम इसके साथ चार्ज करेंगे, क्योंकि हम देखिए हम नाइंसाफी नहीं करेंगे उतनी देर तक। मैं वीडियो कट करता हूँ। बैटरी वापस से 74% पे आ गया, तो यहाँ पे मैं इसका अडाप्टर लगाता हूँ और ये यूएसबी केबल है उस चार्जर में लगा दिया, तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। तो इसकी जो केबल है वो चार्जर थोड़ा सा लूज है, काफ़ी पुराना चार्जर है, इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा तो फिर ये चार्ज होगी स्टार्ट। ये वजन डाल दिया, अभी हम कर देते हैं टाइमर स्टार्ट। टाइमर हो गया ख़त्म, तो इसको मैं उतार लेता हूँ, इसको मैं पकड़ता हूँ बंद, और यहाँ पे ये भी खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि इधर से इस चार्जर का मसला है। तो इसने चेक करो, इसने 82% चार्ज किया है, उसने भी 82%, इसने भी 82%। मैथ में पढ़ते होते थे बचपन में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये गया इसमें, उसके बाद हम लगाते हैं ये माइक्रो यूएसबी केबल, ये लग गया लैपटॉप में। ये देख कर ये चार्ज भी होने लग गया और कनेक्ट हो गया, एप्पल आईफोन भी यहाँ पे आ गया, मतलब आप आराम से यहाँ से डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हो इसी के साथ। देखो भाई 50 रुपये की चीज़ अच्छे से काम कर रही है, मतलब सारे काम जो उसको करने चाहिए वो कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ रह गई जो उसको अभी मैं फिर से टेस्ट करने लगा हूँ। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये रिवर्स काम करता है कि नहीं, मतलब ये हमें वापस से करंट देता है कि नहीं, जिस तरह इसमें मैं लगा रहा हूँ आईफोन में लगा रहा हूँ। आगे मैं इसके एक ओटीजी केबल लगा रहा हूँ, ये लग गई। इसके आगे हम एक छोटा सा बल्ब लगाएंगे, तो थोड़े से पावर चाहिए होती है, ये चल पड़ता है, तो ये इसमें लग गया। आईफोन हमारा आना है लेकिन ये नहीं काम कर रहा। दूसरे फ़ोन में चेक कर लेते हैं, एंड्रॉयड में चेक कर लेते हैं। एंड्रॉयड में आप चेक करो चलने लग गए, ये बंद है, ये ऑन, एंड्रॉयड में आराम से चलने लग गया। मेरे ख्याल में इसके अलावा हमें यूएसबी चेक करनी चाहिए, यूएसबी इसमें शायद चल जाए, यूएसबी लग गई है। अभी हम जाते हैं इसकी फाइल्स में, फाइल्स में जाके यहाँ पे साइड पे यूएसबी आती है ऑन माय आईफोन के बिल्कुल नीचे, लेकिन यूएसबी नहीं आ रही ना बाबा ना। एंड्रॉयड में चेक कर लेते हैं, ये एंड्रॉयड में लग गई, कुछ नज़र नहीं आ रहा, ब्राइटनेस बिल्कुल 0 पे है इसकी, ये तेज़ हो गई। यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज है, उसके नीचे एसडी कार्ड है, थर्ड नंबर पे हमें वो भी है, इसको मैं उतारूंगा तो वो एक गायब हो जाएगी। हाँ हो गई है। सिर्फ प्यार ले सकता है, प्यार दे नहीं सकता, करंट दे रहा है उसको आईफोन को, लेकिन जब इसको वापस हम मांगने की कोशिश कर रहे हैं इसने हमें मना कर दिया। इसमें आईफोन का कसूर मुझे लगता है, इसका मुझे नहीं लगता, खैर हो सकता है इसका भी हो। ये तो चार्जिंग वाला ना, तो यूएसबी वाला भी मैंने ऑर्डर करवाया है, उसकी भी वीडियो आएगी जब वो मेरे पास पहुँच जाएगा, तो देख लिया करो वीडियो भाग जाते मिनट बाद। बाकी एक सस्ती चीज़ें ख़राब हो भी जाए इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही अगर हमने एप्पल स्टोर से बाय की हो और वो ख़राब हो जाए 3000 की, तो हम मर नहीं जाएंगे। बाकी जब वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम। तो मिलता हूँ इसी तरह की न्यू वीडियो में न्यू वीडियो के साथ, तब के लिए बाय बाय।